लोग करने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइवर 3D वर्सेस इंडियन हैवी ड्राइवर। तो नमस्कार टीम और सज्जनों, मेरा नाम है मैक्सर AKN। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, आज हम लोग दो गेम्स का वर्सेस करवाने वाले हैं, इंडियन बाइक ड्राइवर 3D वर्सेस इंडियन हैवी ड्राइवर। तो सबसे पहले अगर बात करें ग्राफिक्स और UI की, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इंडियन हैवी ड्राइवर में आप लोग को कुछ ऐसा UI देखने को मिलता है, ऐसे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। एंड इस गेम में आप लोग को 360 डिग्री रोटेशन भी देखने को मिल जाती है। और इस गेम में आप लोग इमोट भी कर सकते हो। ये देखो मेरा कैरेक्टर कैसे नाच रहा है। लेकिन करने को इस गेम में सिर्फ एक इमोट है, लेकिन एक इमोट में भाई ये पता नहीं क्या क्या कर देता है। वहीं पे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आप लोग को कोई भी इमोट देखने को मिलता नहीं है, ना ही 360 डिग्री रोटेशन देखने को मिलती है। लेकिन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के ग्राफिक बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं कंपेयरिंग टू इंडियन हैवी ड्राइवर। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन हैवी ड्राइवर की, तो यहाँ पे आप लोग को फोन देखने को मिल जाता है, एक iPhone, जिसके अंदर आप लोग चीट कोड डाल के अलग अलग व्हीकल को मंगवा सकते हो। कार, बस, हेलीकॉप्टर, जो भी व्हीकल आप लोग को चाहिए आप लोग इजिली इस गेम में मंगवा सकते हो। एंड वहीं पे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भी आप लोग को फोन तो देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग चीट कोड डाल के अलग अलग व्हीकल को मंगवा भी सकते हो, लेकिन ये फोन iPhone नहीं है। फिर भी इस गेम में भी आप लोग बाइक, कार, बस नहीं है, बाकी घोड़ा, डायनासोर, टैंक, जो भी आप लोग को मंगवाना हो आप लोग मंगवा सकते हो, बस चीट को डालना है आप लोग को। तो ये फीचर तो आप लोग को दोनों गेम में देखने को मिल जाता है, लेकिन इंडियन हैवी ड्राइवर में आप लोग को खुद का एक घर भी देखने को मिल जाता है, और इसका पूरा का पूरा घर भाई ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आर पार दिखता है। बाकी इस घर में हॉल, किचन, बेडरूम वगैरह सब कुछ ही है, पियानो वगैरह भी है, लेकिन ये बजता नहीं है। एंड यहाँ पे PC भी रखा हुआ है, जिसमें पता नहीं भाई इसकी गर्लफ्रेंड की फोटो है क्या। जो भी हो, चलो चलते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तरफ। तो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भी आप लोग को घर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड इस घर में भी आप लोग को हॉल, बाथरूम, बेडरूम, किचन सब कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। मतलब इस गेम में भी और उस गेम में भी घर सिर्फ दिखाने को है। एंड इस गेम के पिछले अपडेट में तो भाई एक और घर को ऐड कर दिया गया है, जिसको भी आप लोग देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड इस घर में सिर्फ बेडरूम ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड ओवरऑल दोनों ही गेम के घर बढ़िया है। नेक्स्ट मेरे को टेस्ट करना था दोनों ही गेम का फॉल डैमेज, लेकिन इंडियन हैवी ड्राइवर का भाई हेलीकॉप्टर नीचे लैंड ही नहीं हो रहा था। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना यार ये ग्लिच है या फिर क्या है भाई, ये लैंड क्यों नहीं हो रहा था, ये मेरे को कमेंट करके बता देना अगर आप लोगों को पता है। तो मैंने काफी देर इससे माथापच्ची की, लेकिन भाई ये लैंड नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सीधा जंप ही लगा दिया एंड मैं सीधा आके गिरा इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में। तो अभी बारी है फॉल डैमेज टेस्ट करने की। एंड आप लोग देख सकते हैं हेलीकॉप्टर अभी भी ऊपर ही उड़ रहा है मेरे सर के। तो ये देख लो गेम में एक और ग्लिच हो रहा है, बिना पायलट का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। लेकिन इसको छोड़ो, फिर से हम लोग जंप करते हैं नीचे की तरफ एंड देखते हैं हम लोग को कितना डैमेज आता है। तो यहाँ पे मैंने जंप लगा दी है एंड ये मेरा कैरेक्टर गिरा भाई, इसको तो जरा सा भी डैमेज नहीं आया। अरे यार ये सच में यार सेंसलेस चीज है भाई, डैमेज तो पड़ना चाहिए था। ये ग्लिच सही करो यार, ये ग्लिच सही करो। एक तो हेलीकॉप्टर को हम लोग नीचे लैंड नहीं करवा पा रहे थे, ऊपर से हमारा करेक्टर नीचे गिरता है तो उसको डैमेज भी नहीं पड़ता। एंड हेलीकॉप्टर ऊपर बिना पायलट के उड़ रहा था, वो कैसे हो सकता है यार, इसको ठीक करो। ये दो तीन चीजें तो मेरे को इंडियन हैवी ड्राइवर की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन वहीं पे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हमारा हेलीकॉप्टर बिल्कुल स्मूथली लैंड हो जाता है। एंड अभी बारी है टेस्ट करने की क्या हम लोग को फॉल डैमेज पड़ता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड नहीं लगाया हुआ है, पहले बता रहा हूँ। अभी जंप करती है इस बिल्डिंग से नीचे एंड आप लोग देख सकते हो मेरा कैरेक्टर नीचे गिर रहा है। एंड यहाँ पे मेरे को इतना ज्यादा डैमेज पड़ा कि मेरा कैरेक्टर मर ही गया। सही है भाई, ऊपर से गिरेगा तो इसको मरना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन हैवी ड्राइवर की। तो यहाँ पे आप लोग अगर किसी व्हीकल को फोड़ना चाहोगे तो आप पिछवाड़े का पूरा जोर लगा दो, आप लोग किसी भी व्हीकल को नहीं फोड़ सकते, जो कि फिर से मेरे को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेनेड पे ग्रेनेड मारे व्हीकल्स के ऊपर, लेकिन किसी व्हीकल का फूटना तो दूर भाई, किसी व्हीकल को खरोच तक नहीं आ रही। देखा जाए तो इंडियन हैवी ड्राइवर की फिजिक्स उतनी सही नहीं है, फिजिक्स की ट्यूशन लेने की जरूरत है इसको। जस्ट जोकिंग, हाँ भाई लोग बुरा मत मानना, मेरे को पता है जस्ट एक गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जस्ट इतना बोल रहा हूँ कि अगर गेम में तोड़फोड़ ना हो तो भाई मजा नहीं आता, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। लेकिन चलो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी गाड़ियां मंगवा ली है एंड ये निकाला मैंने लॉन्चर। एंड यहाँ पे एक ही झटके में गाड़ी जलने लगती है, फूट जाती है, पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। एंड लिटरली इसको करने में आता है सुकून, खुशी, भाई खुशी जिसको कहते हैं वो इससे मिलती है। वैसे सच में देखा जाए तो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की जो फिजिक्स है वो इंडियन हैवी ड्राइवर से काफी ज्यादा बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं, इंडियन हैवी ड्राइवर में आप लोगों को नाइट मोड भी देखने को मिलता है, जस्ट एक क्लिक में आप लोग नाइट कर सकते हो। इस गेम में अगर आप लोग को रात करनी है तो यहाँ पे आप लोग को साइड में एक मून का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करो रात हो जाएगी, उस पर क्लिक करो दिन हो जाएगा। एंड इस गेम की रात डिसेंट सी रात है, कुछ ज्यादा काली नहीं है, मतलब बढ़िया रात है बिल्कुल। मतलब इसकी रात में भी इतनी ज्यादा रोशनी है कि किसी को रात में भी डर ना लगे। लेकिन क्या इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में रात होती है? तो जी हाँ, इस गेम में आप लोग जस्ट एक चीट कोड डाल के रात कर सकते हो, और चीट कोड है 9। डालते ही आप लोग की गेम में हो जाती है रात। एंड इस गेम की रात सच में लगता है कि भाई रात है, बिल्कुल अमावस्या की रात, डरावनी रात, पूरी बिल्डिंग्स की लाइटें जल रही हैं, रात है बिल्कुल काली रात। इसकी रात सच में इतनी ज्यादा काली है कि किसी का भी सूसू निकाल दे, मतलब इंडियन हैवी ड्राइवर से तो काफी ज्यादा काली रात है इस गेम की। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्पेशल व्हीकल्स की भी बात कर ही लेते हैं। तो इंडियन हैवी ड्राइवर में आप लोग को देखने को मिल जाती है बस, जिसका चीट कोड है 4999। जैसे आप लोग 4999 डायल करते हो आप लोग के सामने आ जाती है एक चमचमाती बस। एंड अगर आप लोग डायल करते हो 5777 तो आप लोग के सामने आ जाता है रोड रोलर। एंड अगर आप लोगों ने डायल किया 5
लेवल 3 तो आप लोग के सामने आ जाएगी जेसीबी। और हाँ, इन सबको आप लोग चला भी सकते हो, लेकिन इनसे वो वाला काम नहीं ले सकते जो ये रियलिटी में करती है। एंड 5666 से आप लोग को देखने को मिल जाती है क्रेन। एंड इस गेम में जितने भी व्हीकल है आप लोग सभी व्हीकल्स को चला सकते हो बिल्कुल इजीली। एंड वहीं पे बात करें इंडियन बाइक डाउन 3D की, तो क्या इस गेम में बस है? तो मेरा जवाब है नहीं, ना ही इसमें बस है, ना ही रोड रोलर है और ना ही जेसीबी है, लेकिन इस गेम में है टैंक। तो देखा जाए तो इंडियन हैवी ड्राइवर में व्हीकल्स के ऑप्शन काफी ज्यादा है। एंड मेरे को नहीं पता कि क्या उस गेम में टैंक है या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके बता देना, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि इस गेम में ना ही जेसीबी है, ना ही रोड रोलर, ना ही बुलडोजर। स्पेशल व्हीकल के नाम पे सिर्फ एक ही है, वो है टैंक। ओके, तो मैंने काफी ज्यादा बोल लिया। एंड अभी बारी है कंक्लूजन की, कौन सी गेम ज्यादा बेस्ट है, इंडियन हैवी ड्राइवर या फिर इंडियन बाइक ड्राइव 3D? तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो, अगर आप लोग को चाहिए सिर्फ ऐसी गेम जिसमें चीट कोड लगा के अनलिमिटेड बस वगैरह सभी व्हीकल आप लोग मंगवा सको, कोई ऐसी गेम जहाँ पे व्हीकल्स के ऑप्शन बहुत ही ज्यादा हो, बाकी आप लोग को किसी भी चीज से मतलब ना हो, तो डेफिनेटली गो विद इंडियन हैवी ड्राइवर। इस गेम में आप लोग को बहुत ही ज्यादा व्हीकल देखने को मिलते हैं, लिटरली मैंने इतने व्हीकल किसी भी गेम में नहीं देखे। लेकिन 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 अगर आप लोग चाहते हो कोई ऐसी गेम जिसके ग्राफिक डिसेंट हो, चीट कोड भी हो उस गेम में और गेम की फिजिक्स भी सही हो, तो डेफिनेटली गो विद इंडियन बाइक ड्राइव 3D। एंड दोनों ही गेम अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लोग को कब कौन सी गेम कहाँ खेलनी है। एंड मेरी मानो तो दोनों ही गेम बेस्ट है। एंड ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि वो गेम बढ़िया है या फिर ये गेम बढ़िया है, इस गेम में वो कमी है। मेरा काम गेम्स की कमियां निकालना नहीं है, मेरा काम जस्ट आप लोग को एंटरटेन करना है। अगर आप लोग को किसी भी तरीके से बुरा लगा हो, वैसे लगना तो नहीं चाहिए, अगर आप लोग को लगा हो तो आई एम सॉरी। एंड मेरे को उम्मीद है यार आप लोग को वीडियो तो पसंद आई होगी, एंड आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो भाई कर दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। एंड जो भी बंदा चैनल पे नए आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड जिस भी बंदे ने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो भाई वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको जरूर से दबा लो। ओके, तो आज की वीडियो बस इतना था, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।